हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट आरआरसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि गुवाहाटी जोन का यहां पे ऑफिशियल डीवी का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऑफिशियल कट ऑफ भी यहां पे जारी हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैटेगरी वाइज पीटी के कट ऑफ से कितना इसका कट ऑफ डीवी के लिए इंक्रीज हुआ है और कब तक आपका यानी कि शेड्यूल क्या दिया गया है डीवी का, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सीएनआरसी 02/2019 इम्पोर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट 10/2/2023 के में डेट दिया हुआ है, लेकिन आज 11 तारीख को इसका रिजल्ट आया है। हमने ये नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। चलिए देख लेते हैं कब आपका शेड्यूल दिया गया है और कितना कितना कट ऑफ गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे बड़ी राहत मिली है, सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है कि कब आपका पीटी चला था। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि कैंडिडेट में काइंडली नोट द आरआरसी एनएफआर सेल कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी फ्रॉम 19 फरवरी टू 26 फरवरी। 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। और ये भी बोला गया है कि ब्लॉक डेट भी एक दिया गया है, ब्लॉक डेट रिजर्व फॉर एबसेंट ऑन 27 फरवरी 2023। यानी कि जो भी स्टूडेंट 19 से लेकर 26 तारीख तक नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे वो PWBD हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, CCA वाला भी है स्टूडेंट हो, अगर 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अगर आप एबसेंट रहते हैं किसी भी कारणवश, तो 27 फरवरी को आपको यहां पे ब्लॉक डेट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सभी जोन में ऐसा नहीं है, तो ब्लॉक डेट दिया गया है 27 फरवरी को आप अपना डीवी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन रीजन अच्छा रहना चाहिए, आपको वहाँ पर प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि किस कारण से आप इस दिनों यानी 19 से लेकर 26 तारीख तक आप एबसेंट रहे हैं। तो 27 तारीख तक यहाँ पर ब्लॉक डेट दिया गया है कि 27 तारीख को आप ब्लॉक डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मेनली आप 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक करा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट डाउट हो आरआरबी जोन से कट ऑफ से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, ईमेल आईडी ऑफिशियल यहां पे दिया गया है और सीधी लैंग्वेज में आपको बात करना है। अगर कोई भी ऐसे वैसी बात करते हैं तो आपकी कॉल यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए देख लेते हैं अगला जो कट ऑफ मार्क्स मेन किया गया है हमारा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62.19, एससी के लिए 54.46, एसटी के लिए 42.89, ओबीसी के लिए 58.88 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे किस लिए दिया गया है मैं आपको बताऊंगा आगे। ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें 46.53 यहाँ पे कट ऑफ चला गया है। अब देख लेते हैं हम कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे पीटी कट ऑफ से कितना डीवी का इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, हमने आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन का यहाँ पे पीटी का कट ऑफ लगा रखा है और ये आज का जो डीवी का कट ऑफ यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे 60.31 गया था, जबकि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का डीवी का जो कट ऑफ गया है 62.19 यहाँ पे कट ऑफ गया है। तो 2.19 मात्र यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सबसे कम अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इसी जोन में यानी गुवाहाटी जोन में इंक्रीज हुआ है। तो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए बहुत यहाँ पे अच्छी खबर है, राहत भरी कट ऑफ यहाँ पे आई है। अगला है एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का 47.47 यहाँ पे पीटी कट ऑफ गया था। और बात करें हम नॉर्मलाइज कट ऑफ यहाँ पे जो डीवी के लिए कितना गया है फाइनली, तो एससी कैटेगरी का 54.646 यहाँ पे गया है, 6.99 यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है एससी कैटेगरी का। आगे बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी का। तो देखिए, एसटी कैटेगरी का जो पीटी के लिए कट ऑफ गया था 36.90 गया था। एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें फाइनल डीवी का कट ऑफ, तो 42.89 कट ऑफ गया है। बात करें हम कितना इंक्रीज हुआ है, तो 5.99 यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हुआ है, जो कि थोड़ी सी राहत भरी है, क्योंकि एसटी कैटेगरी में और जोनों में 8 से 9 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे। आगे हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो 50.23 यहाँ पे पीटी के लिए कट ऑफ गया था। और बात करें डीवी का कट ऑफ कितना गया है, तो 58.88 यहाँ पे कट ऑफ चला गया है। तो देखिए, पूरे 8.65 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है ओबीसी के लिए। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का 40.0 थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, वही हम बात करते हैं फाइनली डीवी के लिए कितना कट ऑफ गया है, तो 46.53 यहाँ पे कट ऑफ चला गया है, पूरे 6.5 यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी थोड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। मेनली यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा हाई गया है और एससी की बात करें 6 समथिंग यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। वही हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे डीओबी क्यों दिया गया है। तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ 10/8/1998 जिस स्टूडेंट का ये होगा, ये यहाँ पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि दो स्टूडेंट का एक ही कट ऑफ मार्क्स आ जाता है, तो आपके एज के हिसाब से आपका सिलेक्शन पहले होता है, यानी दो स्टूडेंट का यहाँ पे सेम मार्क्स आ गया होगा, इसलिए जिस स्टूडेंट का यहाँ पे ज़्यादा एज हुआ होगा यानी कि 10/8/1998 जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि दो स्टूडेंट में से दो स्टूडेंट का सेम नंबर आ जाता है, तो उनके एज देखे जाती है कि कौन सा ज़्यादा किसका एज है, उसका सिलेक्शन पहले होता है, तो इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया गया है उस स्टूडेंट का जिसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है।
अभी मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको कट ऑफ इंक्रीज कितना हुआ बता दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका डीवी चलने वाला है। 27 तारीख को ब्लॉक डेट दिया गया है, जो भी एब्सेंट होते हैं 27 तारीख को अपना डीवी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है किसी और जोन से सबसे पहले आपको दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।